hello friends welcome you all in my youtube channel slv classes guys today we are going to discuss some abbreviations and terminology in ict for ugc net jrf but before starting this i wanted to say something about my youtube channel slv classes guys if you really like my contents and videos please like share comment and subscribe and follow me on instagram and my facebook page and group okay गाइज अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती है तो आप उसे लाइक करें शेयर करें एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और मुझे फेसबुक पेज पर भी लाइक कर सकते हैं और मेरे फेसबुक ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं ओके गाइज नाउ गाइज कम टू दॉपिक आज का टॉपिक देखते हैं क्या है ऑपरेटिंग सिस्टम्स एंड डाटा स्टोरेज बेस्ड ओके तो आज का टॉपिक ये है आपका कंप्यूटर का आईसीटी यानी इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन एंड टेक्नोलॉजी ओके तो फर्स्ट पॉइंट है बायोस सो बायोस क्या होता है दिस इज द बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम ओके तो बायोस स्टैंड्स फॉर बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम यानी इसका पूरा पूरा नाम है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम विच कंट्रोल्स कंप्यूटर जो कि कंप्यूटर को कंट्रोल करता है एंड टेलिंग इट वॉट ऑपरेशन टू परफॉर्म ओके और कंप्यूटर को बताता है कि क्या ऑपरेशन परफॉर्म करना है ठीक है दिस इंस्ट्रक्शंस आर ऑन अ चिप डेट कनेक्ट्स टू द मदर बोर्ड और ये सारे इंस्ट्रक्शन जो होते हैं एक चिप पर होते हैं जो कि मदर बोर्ड पर कनेक्ट किया जाता है मदर बोर्ड होता है ना सी पी यू के अंदर उसमें जो कनेक्ट होता है उस उसकी बात कर रहा है ठीक है फिर है ये बाइट बाइट क्या होता है अब बाइट इज अ स्टोरेज यूनिट फॉर डाटा जो यूनिट डाटा uh, का स्टोरेज यूनिट होता है उसी को क्या बोलते हैं बाइट बोलते हैं कि इज किलो बाइट विच एज वन ज़ीरो टू फोर बाइट ओके तो किलो बाइट का पूरा वैल्यू कितना है वन जीरो टू फोर बाइट्स ओके यहाँ पर देखते हैं एम का है मेगा बाइट विच एज आ मिलियन बाइट्स मेगा बाइट में मिलियन बाइट्स होते हैं और जी यानी गीगा बाइट में होते हैं विच इक्वल टू वन थाउजेंड मेगा बाइट ओके okay? मेगावाइट में आपके मिलियन स्पाइट होते हैं और गीगा बाइट में वन थाउजेंड मेगा बाइट्स होते हैं यानी वन थाउजेंड के आगे मिलियन बाइट्स और लग जाएंगे ओके okay, गाई समझ में आया ये सारे क्वेश्चन भी एक दो क्वेश्चन इसमें से भी आ जाते हैं ठीक है थीके? ये सारे भी आप देख लेना ओके नेक्स्ट अब सीपीयू क्या है वर्ड एज सी पी यू दिस इज दिस स्टैंडस फॉर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट ऑफ द कंप्यूटर कंप्यूटर का जो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है उसी like को सी पी यू बोलते हैं दिस इज लाइक द कंप्यूटर्स ब्रेन और सी पी यू को ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर भी बोलते हैं जैसे ह्यूमन बॉडी में ब्रेन हम लोगों का uh, सर को बोलते हैं ना तो सी पी यू का क्या होता है कंप्यूटर का सी पी यू जो होता है ब्रेन होता है ठीक है अगर उसी को हटा देंगे सी पी यू को तो कंप्यूटर मतलब यूजलेस हो जाएगा क्योंकि उसका तो दिमाग ही नहीं होगा जैसे ह्यूमन बॉडी में से अगर हम लोग ब्रेन हटा देंगे तो सेंस ऑर्गन उसके काम हम ही नहीं करेंगे कुछ भी वो सही गलत कुछ पहचान ही नहीं सकता है ब्रेन ही नहीं है उसके पास तो इसी तरीके से कंप्यूटर में भी होता है कि कंप्यूटर में से अगर सीपीयू हटा देंगे तो कंप्यूटर क्या है पीसी आपका कन्वर्ट हो जाएगा यूजलेस हो जाएगा वो बिल्कुल भी मतलब हेल्प नहीं करेगा ठीक है तो इसीलिए सीपीयू को कहा गया है ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर ओके नाउ नेक्स्ट एमएसी दिस इज एन एब्रिविएशन फॉर मैकइंटस ये एक एब्रिविएशन है मैकइंटस का मैक से आप लोग ऐसे जनरली भी जानते हो कि मैक किसका है एप्पल का है ठीक है एप्पल कंपनी का विच इज़ अ टाइप ऑफ पर्सनल कंप्यूटर मैक एक पर्सनल कंप्यूटर का टाइप है यानी पीसी है वो जो कि बनाया किसने है उसको एप्पल कंप्यूटर कंपनी ने ठीक है एप्पल के मालिक ने एप्पल के जो कंपनी है उसने ये मैक को बनाया ठीक है और ये एब्रीविएशन किस कहाँ से आया है मैक से आया है ठीक है गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन ओ एस ऑपरेटिंग सिस्टम सभी जानते हैं दिस इज द ऑपरेटिंग सिस्टम ऑफ द कंप्यूटर इसको ऑपरेटिंग सिस्टम बोलते हैं कंप्यूटर का इट इज़ द मेन प्रोग्राम डैट रन ऑन अ कंप्यूटर अगर कंप्यूटर स्टार्ट करते हैं हम लोग ठीक है तो उसमें जो भी स्टार्ट्स होता है बिगिंस होता है उसी उसी को ऑपरेटिंग सिस्टम बोला जाता है ठीक है तो इट इज़ द मेन प्रोग्राम डैट रन ऑन अ कंप्यूटर एंड बिगिंस ऑटोमेटिकली व्हेन द कंप्यूटर इज़ टर्न ऑन कंप्यूटर को टर्न ऑन करेंगे या तो कंप्यूटर को चालू करेंगे तो जो ऑटोमेटिकली स्टार्ट होने लगता है ना उसी को ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं हम लोग ठीक है विंडोज करके जो आता है वो सारे आपके हैं ऑपरेटिंग सिस्टम में इंक्लूडेड है ओके और नेक्स्ट पीसी पीसी सबको पता है पर्सनल कंप्यूटर होता है तो पीसी पर्सनल कंप्यूटर का जो एब्रीविएशन है वो पीसी है इट रिफर्स टू कंप्यूटर स्टैट आर आई बी एम कम्पेटिबल ओके वो उस कंप्यूटर को रिफ़र कर रहा है जो कि आई बी एम कंपेटिबल है ठीक है उसको रिफ़र कर रहा है ठीक है पी आपका नेक्स्ट पी डी एफ पी डी एफ सबको पता है क्या है पी डी एफ को आप भेज भी सकते हैं पढ़ भी सकते हैं रीड भी कर सकते हैं उसको एडिट भी कर सकते हैं इसका फुल फॉर्म होगा आपका पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट जिसको कहीं पे भी भेज सकते हैं कहीं से भी ले सकते हैं ठीक है वो पोर्टेबल है इसीलिए इसका नाम पोर्टेबल है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट विच डिस्प्लेस फाइल इन दी इन अ फॉर्मेट डेट इज रेडी फॉर द वेब Uh, इसको क्या बोला है कि जो डिस्प्ले करता है फाइल्स को ठीक इसमें फाइल्स है इसमें फ़ाइल्स वगैरह होती हैं डॉक्यूमेंट्स होते हैं तो वो डिस्प्ले करता है फ़ाइल्स को जो कि उस फॉर्मेट में रहता है जिसमें कि वेब में उसको पढ़ सके रीड कर सके उसको चेंज कर सके एडिट कर सके ये सारे होते हैं ठीक है पी आपको पता ही है जैसे स्कूल्स कॉलेजेस में कुछ भेजना है डॉक्यूमेंट तो वो पीडीएफ के फॉर्म में ही जाता है ठीक है अगर कुछ हम लोगों को नेट वग़ैरह से डाउनलोड करना है तो वो भी अगर हम लोग इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं किसी के रिगार्डिंग कैसे लिंक है उसके रिगार्डिंग हमें चाहिए कि इसका सिलेबस क्या है पैटर्न क्या है तो उसका जब हम लोग डाउनलोड करेंगे तो वो कौन से फॉर्मेट में आएगा आपका पी के फॉर्मेट में आएगा जिसको कि हम लोग बोल सकते हैं रेडी फॉर वेब ओके और रेडी फॉर दी रीड ओके उसको रीड भी करने के लिए ठीक है तो ये आपका हो गया पी डी पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट नो गाइज नेक्स्ट आर ए एम रैम दिस स्टैंड फॉर रैंडम एक्सेस मेमोरी विच इज़ द स्पेस इन साइड द कंप्यूटर कंप्यूटर के अंदर या तो मोबाइल एंड्रॉयड के अंदर जो भी रैम होता है वो क्या होता है एक तरीके का स्पेस होता है जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा आपके पास स्पेस होगा ठीक है डेट कैन बी एक्सेस एट एनी वन टाइम ठीक है जिसकी अगर ज़्यादा से ज़्यादा स्पेस होगा तो आप वन टाइम में बहुत सारे प्रोसेस कर सकते हैं बहुत सारा लोड कर सकते हैं ठीक है इफ़ यू इंक्रीज़ द अमाउंट ऑफ रैम दैन यू विल इंक्रीज़ दी कंप्यूटर स्पीड अगर आप रैम uh, का अमाउंट इंक्रीज़ कर रहे हैं बढ़ा रहे हैं ठीक है थीके? तो आपके कंप्यूटर की स्पीड भी बढ़ जाएगी ठीक है दिस इज़ बिकॉज़ मोर ऑफ अ पर्टिकुलर प्रोग्राम इज एबल टू बी लोडिड एट वन टाइम ये क्यों होता है क्योंकि अगर उसकी स्पीड बढ़ी है और उसका रैम बहुत ज़्यादा है तो एक बार में एक टाइम में आप ढेर सारे चीज लोड कर सकते हैं ठीक है डाउनलोड होता है ना तो उस उस तरीके से आप जैसे मोबाइल में एंड्रॉइड में प्ले स्टोर से डाउनलोड वगैरह करते हैं तो अगर आपका रैम अच्छा है तो उसमें जल्दी जल्दी लोड हो जाता है ठीक है स्पेस बहुत ज़्यादा रहता है तो ठीक है और उसकी स्पीड भी बहुत अच्छी खासी हो जाती है ठीक है गाइस नाउ नेक्स्ट आर ओ एम रीड ओनली मेमोरी नाउ गाइस Now guys next ROM this is read only memory which is the instruction of, for the computer and cannot be altered. Read only memory में ये है कि सिर्फ़ और सिर्फ़ आप read कर सकते हैं ना तो उसमें edit कर सकते हैं और ना ही उसमें राइट कर सकते हैं बहुत सारे पी होते हैं जो कि मतलब कुछ बड़े बड़े होते हैं ऑथर्स वगैरह होते हैं जो मतलब ब्लॉग राइटर्स होते हैं वो अपने गूगल्स में या तो कहीं पे भी विकीपीडिया में ब्लॉग डालते हैं तो उसको आर ओ एम यानी रीड ओनली मेमोरी में ही डालते हैं ठीक है जिसको कि मतलब रीड कर सकते हैं सिर्फ़ और सिर्फ ठीक है उसमें राइट नहीं कर सकते हैं रीड ओनली के डॉक्यूमेंट्स होते हैं ना तो वो इसमें आ जाएगा आपका रीड ओनली मेमोरी में ओके जिसमें कि क्या होगा सिर्फ़ और सिर्फ वो एक तरीके से क्या है इट इज द इंस्ट्रक्शन फॉर द कंप्यूटर कंप्यूटर के लिए वो एक तरीके का इंस्ट्रक्शन है ठीक है जिसको कि एल्ट नहीं कर सकते ना उसमें एडिट कर सकते ना उसमें राइट कर सकते ओके गाइज नाउ नेक्स्ट नाउ गाइज नेक्स्ट वी जी ए वीडियो ग्राफिक्स एर इज अ सिस्टम फॉर डिस्प्लेइंग ग्राफिक्स कंप्यूटर में जो ग्राफिक्स को डिस्प्ले करते हैं उसको क्या बोलते हैं वी v... जी ए ठीक है वीडियो ग्राफिक्स एरे उसको बोलते हैं इट वॉज डेवलप्ड बाई आई बी एम और ये डेवलप्ड किसने किया है आई बी एम ने किया है ठीक है नाउ गाइज नेक्स्ट डब्ल्यू वाई एस आई डब्ल्यू वाई जी दिस इनिशियलिज्म इज स्टैंड फॉर वॉट यू सी इज वॉट यू गेट ओके ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये इस टाइप के क्वेश्चन बहुत ही आते हैं ये पिछली बार आ चुका है तो इससे बहुत ध्यान से देखिए ये फुल फॉर्म जरूर पूछता है कि इसका फुल फॉर्म क्या है ठीक है इट इज प्रोनौस्ड विजे वेग ओके इसको प्रोनास्ड क्या किया गया है विजे वेग एंड बेसिकली मीन्स डैट द प्रिंटर विल प्रिंट वॉट यू सी ऑन दी मोनिटर ओके तो इसमें बेसिकली इसका मतलब क्या बोल रहा है कि प्रिंटर विल प्रिंट प्रिंटर वही प्रिंट करेगा जो कि आप मोनिटर पर देख रहे हैं ठीक है इसका यही मतलब है एक तरीके से ठीक है थीके? और इसका दूसरा क्या है प्रोनाशिएशन कि विजे वेग इसको बोला गया है वॉट यू सी इज वॉट यू गेट ओके नो गाइज़ ये आपका रहा लास्ट टॉपिक अब नेक्स्ट में हम लोग पढ़ेंगे कनेक्टिंग टू द इंटरनेट नेटवर्क बेस्ड ओके अब इसके बाद हम लोग इंटरनेट से रिलेटेड सारे डेफिनेशंस देखेंगे ओके okay? क्या क्या आता है एच टी एम एल टी पी ये सारी चीज़ें देखेंगे और गाइज़ अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती है तो आप उसे लाइक करें शेयर करें एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें थैंक यू